इसी काशी को ज्ञातव्य काशी भी कहते हैं। इसको करने से सारी काशियों का पुण्य मिलता है। ये निराजल काशी होती है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं, मार लो आप, और पानी भी नहीं पीते हैं और बड़े नियम धर्म से रहते हैं इस व्रत को। तो कुंती और कुंती के पुत्र ये सब काशी व्रत रहते थे। तो भीम से भी कहने लगे भाई तुम भी व्रत रखो। तो भीम बोले अरे मैं तो एक बार में ही इतना खाना खाता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती, मुझ पे तो नहीं रहा है व्रत। अब ये भीम बड़े परेशान कि अब ये तो माँ तो सिर पड़ रही, कैसे बचा जाए। तो भीम धीरे धीरे पहुँचते हुए मुनि जी के पास पहुँचे। मुनि जी से कहने लगे, मानदाता मुनि से कहने लगे कि मुनि ने देखा, मानदाता मुनि ने उनको भीम को देखा तो बड़े सुस्त से दिखाई दिए। तो मानदाता हंसने लगे कि क्या बात है भीम, तुम्हारे चेहरे पर कैसे रौनक नहीं, तुम तो बहुत खुश रहते हो। तो बोले कि गुरु जी क्या बताऊँ, मेरी माँ ने कह दिए काशी व्रत रहो, मुझ पर तो एक जून के बाद दोपहर तक नहीं रह जाता, दोबारा भूख लग जाती और इतना खाता हूँ कि सारा खा जाता हूँ जितना भी खाना होता है। तो भीम बोले कि देखो अगर तुम व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे तुम। बोले नरक स्वर्ग क्या होता है, वो जब भूखा ही ना, वो देख लो अब तुम्हारी मर्जी है। बोले अच्छा जी आप कह रहे हैं। तो उन्होंने रहना शुरू करा तो देखा कि बड़ी क्या कहें, फिर तो उनको आदत पड़ गई रहने लगे। एकाशी इंद्राजल एकाशी होती है, इस व्रत को जो भी करता है विष्णु भगवान उसको धन दान से भरपूर करते हैं। विष्णु भगवान ने ही ज्ञातव्य नाम रखा था इस एकाशी का, और विष्णु भगवान सबका भला करते हैं, खूब धन दान से भरपूर करते हैं। जय माता की।